कुन्याली चाहे जहाँ भी छुपा हो, चंद्रमास पूरा होने से पहले मैं उसे पकड़कर यहाँ लाऊंगा। तो दोस्तों, मलयालम यानी मॉलीवुड इंडस्ट्री के मास अवॉर्डेड मूवी हिस्टोरिकल एपिक वार मूवी मराक्कर अरबिक एटलांटे सिम्हम आज वर्ल्ड वाइडली थिएटरों पर रिलीज हुई है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे मराक्कर इस मूवी ने रिलीज होते ही रिलीज के पहले दिन पे यानी आज इंडिया के साथ साथ टोटली वर्ल्ड वाइडली कितने करोड़ की कलेक्शन करने लगे हैं। तो आपसे उम्मीद है इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, मराक्कर अरबिक एटलांटे सिम्हम या दोस्तों मराक्कर लायन ऑफ द अरबियन सी फाइनली दोस्तों आज 2 दिसंबर को 5 लैंग्वेज के साथ रिलीज हुई है। मलयालम यानी मॉलीवुड इंडस्ट्री के मूवी है। मलयालम के साथ साथ ये मूवी तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नाडा पे ये मूवी रिलीज हुई है। दोस्तों आज इस मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 100 करोड़ रुपये। जी हाँ दोस्तों, मराक्कर लाइन ऑफ द अरबियन सी इस मूवी के बजट पूरे 100 करोड़ रुपये है, जबकि ये मूवी बिग बजट मूवी है। लेकिन दोस्तों, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने से पहले ही अच्छा खासा रिकवरी कर ली थी। इस मूवी के डिजिटल राइट्स यानी मूवी को ऑनलाइन दिखाने के राइट्स बिके हैं पूरे 40 करोड़ रुपये में। वही दोस्तों मूवी के सैटेलाइट राइट्स यानी मूवी को टीवी पे दिखाने के राइट्स बिके हैं पूरे 25 करोड़ रुपये में। और इस मूवी के म्यूजिक राइट्स बिके हैं पूरे 5 करोड़ रुपये में। यानी दोस्तों, मराक्कर अरबिक एटलांटे सिम्हम इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने से पहले ही मूवी के डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स को बेस के टोटली जो नॉन थिएटरिकल प्री रिलीज बिजनेस किया था पूरे 70 करोड़ रुपये। स्क्रीन काउंट की बात की जाए तो दोस्तों, इस मूवी को इंडिया के अंदर 5 लैंग्वेज के साथ पूरे 1400 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है। यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों, इस मूवी को हिंदी बहुत ही कम स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है, कुछ सेलेक्टेड स्क्रीन के साथ ही हिंदी पे रिलीज किया गया है। और इस मूवी को ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर पूरे 300 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है। यानी मराक्कर लाइन ऑफ द अरबियन सी इस मूवी को वर्ल्ड वाइडली पूरे 1700 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है। दोस्तों, कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों, इस मूवी के आज मॉर्निंग वाले शोज के ऑक्युपेंसी पूरे 70% हाउसफुल देखने को मिले, आफ्टरनून शोज के ऑक्युपेंसी पूरे 55% हाउसफुल देखने को मिला है दोस्तों। और अभी के जानकारी के अनुसार मराक्कर लाइन ऑफ द अरबियन सी आज रिलीज होते ही इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया है पूरे 12 करोड़ रुपये। वही दोस्तों, मूवी के फर्स्ट डे इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुकी है पूरे 15 करोड़ रुपये। बात की जाए ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कलेक्शन की तो दोस्तों, अभी के जानकारी के अनुसार इस मूवी ने ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर ताबड़तोड़ की कलेक्शन करने लगे हैं। और रिलीज के पहले दिन पे यानी आज टोटल जो कलेक्शन आने लगे हैं ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से लगभग 3 करोड़ रुपये। तो दोस्तों, जहाँ पे मूवी रिलीज के पहले दिन का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुकी है लगभग 15 करोड़ रुपये, वही दोस्तों मूवी रिलीज के पहले दिन पे यानी आज ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन कर लिया है अराउंड लगभग 3 करोड़ रुपये। यानी मराक्कर लायन ऑफ द अरबियन सी इस मूवी ने फर्स्ट डे टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है लगभग 18 करोड़ रुपये। जी हाँ दोस्तों, यही है मराक्कर अरबिक एटलांटे सिम्हम इस मूवी के फर्स्ट डे टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो की हो चुकी है पूरे 18 करोड़ रुपये। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है आगे की अपडेट के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय दोस्तों।